गुड मॉर्निंग क्लास. नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग द रिवीजन अगेन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग योर द क्वेश्चंस विच आर ऑफ रीजनिंग टाइप एंड न्यूमेरिकल्स स्पेशली एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर. ओके सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग द रिवीजन अगेन फ्रॉम दिस चैप्टर. And mainly we are focusing here on the numericals and reasoning type of questions. तो सबसे पहले first of all what you have to do, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये जो questions करने हैं इनको ऐसी एक notebook में note करना है या वही copy जिसके लिए आप sure हैं कि हाँ दोबारा से जब हम board exam के लिए questions करेंगे तो हमें सारा collection जो questions का है that we can find here in this notebook. Okay? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, दे डोंट हैव द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उनके पास जो अवेलेबल थे एनसीईआरटी में या फिर प्राइवेट पब्लिकेशन बुक में दोज दे हैव डन, लेकिन अब कहाँ से क्वेश्चन करें क्योंकि न्यूमेरिकल्स की कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी आ सकता है. सो आई एम प्रोवाइडिंग हियर दीज न्यूमेरिकल्स. सेकेंड सजेशन इज़ कि आपको मैंने यहाँ सॉल्यूशंस भी दिए हैं, लेकिन सॉल्यूशंस देने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करें. लाइन टू लाइन आंसर नहीं लिखना है. हमेशा न्यूमेरिकल का अपना तरीका अपना मेथड होता है कि आपको गिवन नोट करना है, फॉर्मूला सोचना है, सर्च करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है. इसको यहाँ से कॉपी करने की कोई नीड नहीं है. कैलकुलेशन को हमेशा आप अपने ही मेथड से करेंगे, जैसे आपको 10 की पावर सॉल्व करनी है, जैसे आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है. ओके तो आप बिल्कुल यहाँ से लाइन टू लाइन मत लिखिए. मैंने सॉल्यूशन इसलिए दिए हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप अपने आप से कर सकें, एक बार यहाँ से देखें और उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करें. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो है वो बाय राइटिंग होना ही इम्पॉर्टेंट है एंड ओनली बाय दिस वे यू कैन बी परफेक्ट इन द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. ओके सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नाउ. सबसे पहले क्वेश्चन वन है आपका यहाँ पर. अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 3 × 10⁻²⁰ ओम. हियर टू पार्ट्स आर गिवन विच यू हैव टू फाइंड आउट. फर्स्ट इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इट. सेकेंड पार्ट कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ए पार्ट में अगर आप सिर्फ फॉर्मूला और यूनिट ही लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में सॉल्व कम करना है लेकिन वेटेज बड़ा है इसका. बस फॉर्मूला और यूनिट लिखना है, मार्क्स मिलेंगे. कैलकुलेशन कब करनी है, दूसरे पार्ट में. उसमें लिखा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर. सेकेंड थिंग, ये जो क्वेश्चन है आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. इसमें आपको पता है, पहचान होनी चाहिए कि यूनिट लेंथ लिखा है तो 3 मीटर क्या है, ये एल है. सेकेंड क्रॉस सेक्शन लिखा है, इसका मतलब ये ए है. और थर्ड है रेजिस्टेंस आर है. अब रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए. रो सिंबल होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. तो एक्चुअली आपको फर्स्ट पार्ट में करना भी यही है. यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उस फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन लिखें. मैंने आपको पीरियोडिक टेस्ट में और प्रैक्टिस पेपर दोनों में कहा था कि वन लाइन आंसर का मतलब वन वर्ड आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों ने वही किया कि वन वर्ड आंसर लिख लिख कर दिए हैं. और अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप वन वर्ड आंसर लिखने लगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज़ गिवन बाय दिस एंड इट्स यूनिट इज़ दिस, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके फिर आता है आपका बी पार्ट. बी पार्ट में जैसा कि यहाँ दे रखा है, इन दिस केस एल ए आर नोट करेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट करना है. दैट इज कैप स्टेप इज स्किप्ड हियर. अंडरस्टूड, पता है आपको कैलकुलेशन खुद करनी है तो कोई नीड नहीं है कैलकुलेशन शो करने की, 10 की पावर्स एंड ऑल द थिंग्स. यू शुड नो द सॉल्यूशन, कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या मेथड होता है. ओके फिर देन वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. देखिए इसमें द टेबल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट के कंपैरिजन में. वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, यहाँ पर टेबल दे रखी है. एक किसकी टेबल है, रेजिस्टिविटी की. 3 मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी है, एक्स वाई एंड जेड उनके नेम्स हैं. और आपसे पूछा गया है अरेंज द सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी. दे रखी है रेजिस्टिविटी लेकिन पूछा गया है कंडक्टिविटी के बारे में.
तो नो मैटर, क्योंकि ऐसी एक टेबल एनसीईआरटी में भी है, प्राइवेट पब्लिकेशन बुक में भी है, और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ऑलवेज रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि रेजिस्टिविटी की अगर ये टेबल है तो रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 10 की पावर, देखिए 10 की पावर -9 है, 10 की पावर -6 है, वो -17 है। तो 10 की पावर -17 जिसमें है वो सबसे कम रेजिस्टिविटी है, -17 पावर है। उसके बाद आती है 10 की पावर -9 और फिर 10 की पावर -6। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? जेड की। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? जेड की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक्स और देन वाई। तो आपको कंडक्टिविटी का ऑर्डर लगाना है, वो भी कैसा लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को यहाँ जैसे लिखा गया, आपको पता है आप इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी एरो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी है वो किसकी बताई है मैंने यहाँ पर? जेड की। उसके बाद में एक्स, फिर वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ए पार्ट का। फिर बी पार्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज़ बेस्ट कंडक्टर। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? जेड। और विच इज़ द बेस्ट इंसुलेटर। तो सबसे अच्छा इंसुलेटर जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है यानी कि कंडक्टिविटी सबसे कम है, वो कौन है? वाई। ओके, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए पहचानने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कराया भी था, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी थी कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज कमिंग हियर। There are m resistors. Each of resistance are, first they are all are connected in series and equivalent resistance is x. उसके बाद उनको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस y आता है। रेशियो आपको फाइंड करना है x और y का। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। तो देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं लेकिन सबकी वैल्यू कितनी है? r। क्या करना है? उनका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब हम आप R को M टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एम आर। इक्विवेलेंट क्या आना है? X। उसमें ऑलरेडी दे रखा है, जब आप उनको ऐड करेंगे तो आप किस सिंबल से लिखेंगे? X से। फिर लिखा है अगली बार इन सभी को फिर से ऐड करना है, लेकिन कैसे ऑर्डर में करना है? पैरेलल। तो वन अपॉन R, वन अपॉन R कितने टाइम्स ऐड करेंगे? M टाइम्स। आंसर क्या आएगा? M अपॉन R, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनका रेशियो x एंड y का, तो x अपॉन y कर देना, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी m स्क्वायर रेशियो 1। ओके, सो टेक केयर ऑफ दीज क्वेश्चंस। फिर देखिए फोर नंबर आता है, वी हैव फोर रेजिस्टर्स ए बी सी एंड डी ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12 एंड 24 ओम रेस्पेक्टिवली। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया था कि लोएस्ट रेजिस्टेंस इन सभी में, कैसे लोएस्ट आप फाइंड करेंगे और कैसे हाईएस्ट फाइंड करेंगे। तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि हमेशा गिवन रेजिस्टर्स को लोएस्ट तब मिलेगा जब आप उनको कैसे ऐड करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपका ये जो 4, 8, 12, 24 है, इन सभी को कैसे ऐड करना है पैरेलल में। तो पैरेलल में जो आंसर आएगा, जो यहाँ आया है आंसर, वो क्या है? 2 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सबसे छोटे रेजिस्टेंसेस, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? 4। उससे भी छोटा आंसर अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली दैट विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाईएस्ट आपको फाइंड करना है तो क्या करना है? सीरीज। सीरीज में हमेशा जो हाईएस्ट होता है यानी कि 24, उससे भी बड़ा आंसर आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 में 3 रेजिस्टर्स हैं, 5, 10 और 30 ओम, कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट। तो आपको बेटर होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में मेक द डायग्राम। यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ पूछा भी नहीं है, डोंट इफ देयर इज़ नो नीड टू मेक द डायग्राम, यू हैव लेस टाइम, तो यू आर फ्री, यू कैन नॉट मेक द डायग्राम। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बनाते हैं देन इट्स गुड। तो 5, 10 और 30 ओम के 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो थोड़ा सा डाम के हिसाब से आप करंट के एरो लगाएंगे, वही मैंने कहा तो बेटर होगा। तो वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो आपको पता है इसमें ओम्स लॉ ही यूज़ होता है। सबसे पहले आपका फर्स्ट फॉर्मूला करंट का, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो I फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू वी ओवर R, तो I1 इज इक्वल टू वी ओवर R1। इसी तरह से I2 और I3। टोटल करेंट के लिए क्या करेंगे? जो 3 आंसर आए हैं उनको सम अप कर देना है।
और फिर आपसे पूछा गया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में है पैरेलल, तो आपको इन लास्ट क्या कर देना है, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है, कर देना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस 3 ओम। ठीक है, फिर आप आते हैं 6 नंबर, तो सीधा क्वेश्चन हियर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, तो करंट आई गिवन है, वर्क्स ऑन 250 वोल्ट, वी दे रखा है, ऑन द एवरेज 8 आवर्स अ डे टाइम दे रखा है, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, तो पावर का वो फॉर्मूला जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हो, तो पावर का फॉर्मूला इसमें वोल्टेज और करंट पता है आपको, कौन सा फॉर्मूला है पावर का, पी इज इक्वल टू वी आई, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ लगाई हैं, मगर वैल्यूज़ में यूनिट का ध्यान रखिएगा, पावर किलो वॉट में आएगी, अगर आप जो ये यहाँ पर आपने जो टाइम है वो कितना दे रखा है 8 आवर्स, तो टाइम अगर आपने 8 पुट किया है तो ये जो आंसर है आपका वी इंटू आई, वोल्टेज वोल्ट में दे रखा है, और जो यह टाइम मैटर भी नहीं करता है, सॉरी इस क्वेश्चन में टाइम है ही नहीं, बल्कि आपको पावर फाइंड करनी है, तो वोल्टेज और करंट की यूनिट देखनी है, तो वोल्टेज जो है वो वोल्ट में है, करंट एम्पियर में है, तो नो मैटर, जो आंसर आएगा आपका वो वॉट में होगा, लेकिन लास्ट में किलो वॉट का है, क्योंकि पावर की एक क्वेश्चन आया भी था आपका पीरियोडिक टेस्ट में, पावर की कॉमर्शियल यूनिट कौन सी होती है, तो कॉमर्शियल यूनिट पावर की होती है किलो वॉट। ओके, किलो वॉट कॉमर्शियल यूनिट इसलिए होती है क्योंकि हमेशा जो अप्लायंसेस होते हैं वो अप्लायंसेस बड़ी पावर के होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी अप्लायंस जो है वो वॉट्स में बल्ब्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़ी डिवाइसेस होती हैं वो हमेशा किलो वॉट में होती हैं, तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो 2 किलो वॉट है। ठीक है, उसके बाद टोटल एनर्जी कंजम्पशन, आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला जो वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, तो आपने उसको यूज़ किया पावर इनटू टाइम को, तो पावर आपका आ रहा है आंसर किलोवाट आवर में, ये यूनिट होती है, तो आर को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पावर है 2 किलोवाट, टाइम है 8 आवर्स, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका वो 96 किलोवाट आवर, इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 8 आवर्स अ डे, और फाइंड जो करना है आपको पावर कंजम्पशन, उसके बारे में लिखा है इफ़ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस ₹5, इतना पार्ट और है इसमें, फॉर 6 किलोवाट आवर्स, तो यहाँ पर 6 के लिए आपको फाइंड करना है, ₹5 दे रखे हैं, व्हाट इज़ द मंथली बिल फॉर 60 डेज, तो यहाँ मल्टीप्लाई सबकी एक साथ कर रखी है, हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो पहले आपको एक दिन का जो एनर्जी है एक दिन में कितनी कंज्यूम हो रही है वो फाइंड करना है, तो जो आपका आंसर था 2 किलोवाट, तो उसको एक दिन की एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको जो टाइम था 8 आवर्स उससे मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद आपको क्या करना है चार्जेस से मल्टीप्लाई करना है, जो चार्जेस हैं 5, और उसके बाद आपको 60 डेज़ का अगर फाइंड करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आ रहा है लास्ट में, दैट आंसर इज गिवन हियर, और वो है ₹80। ओके, सो डू दिस, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर इन कैलकुलेशन देन यू कैन आस्क टू मी आफ्टरवर्ड्स। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन में डायग्राम ध्यान से देखिएगा, इसमें A1, A2, A3 जो हैं वो हैं एमीटर्स, और B1, B2, B3 जो हैं वो बल्ब्स हैं, अगर सिंबल्स क्लियर ना हो 1, 2, 3 कौन सा है, तो किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हैं आप। उसके बाद है दे ऑल आर कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स, जैसा कि दे रखा है एक वोल्टेज सोर्स से लगे हैं, व्हेन द 3 बल्ब आर वर्किंग गुड एंड ग्लोइंग द करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर इज 6 एम्पियर, जब तीनों वर्क कर रहे थे तो करंट जो टोटल आ रहा था वो कितना था 6 एम्पियर। ठीक है, अब ये आंसर आपको नीचे देने हैं, क्वेश्चन ये था, इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं सेम, फर्स्ट पार्ट है सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो थ्रू ईच बल्ब एंड द वैल्यू इज 2 एम्पियर। ठीक है, हर एक बल्ब में सेम करंट जाएगी और उसकी वैल्यू होगी 2 एम्पियर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स ये बताना है आपको। देखिए, तो यहाँ टोटल करंट दे रखी है 6 एम्पियर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, वोल्टेज सबके लिए सेम होगा, वोल्टेज सबके लिए सेम है, और बल्ब्स के बारे में भी लिखा है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब सेम उनका रेजिस्टेंस होगा, तो अगर वोल्टेज सेम है रेजिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली सेम करंट जाएगी उनमें, तो याद रखिएगा ऐसी वाली सिचुएशन में 6 एम्पियर टोटल थी, तो तीनों में सेम करंट जा रही, तो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी, कितनी हो जाएगी 2, 2 एंड 2 एम्पियर, तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो आपका कैसा है ट्रू। ओके, बी पार्ट है इफ़ द बल्ब B3 इज़ ब्लोन अवे,
द बल्ब बी वन एंड बी टू विल स्टार्ट ग्लोइंग मोर। तो देखिए बी थ्री इनमें जो भी हो, ये थ्री बल्ब्स हैं जो थ्री सर्कल्स बने, अगर इनमें से एक भी ब्लोन अवे का मतलब ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो बाकी के टू बल्ब्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक ख़राब हो जाता है, एक में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, डैमेज हो जाता है वो, तो बाकियों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ना वो ज़्यादा ग्लो करेंगे ना कम करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये फॉल्स है। सी है, व्हाट विल हैपन टू ऑल द एमीटर रीडिंग्स इफ बल्ब बी वन इज़ ब्लोन अवे। तो फिर वही कंडीशन आ जाती है, बी वन इनमें से कोई भी एक बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो बस उसी का एमीटर काम नहीं करेगा, मतलब उसका एमीटर क्या शो करेगा, ज़ीरो रीडिंग, और बाकी के एमीटर्स क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे जैसे वो कर रहे थे। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ आपको आंसर लिखना है, ट्रू फॉल्स नहीं है। डी है आपका, द करंट शोन इन एमीटर ए रिमेन्स इवन एनी बल्ब गोज डाउन, ट्रू और फॉल्स। तो जो एमीटर ए है, ए का मतलब कौन सा एमीटर है, जो सबसे लास्ट में जो मेन एमीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ए एमीटर के नाम से ये लास्ट में एमीटर है, तो इसके बारे में लिखा है ये सेम रहेगा, तो ये सेम नहीं रहेगा क्योंकि ये टोटल रीडिंग दे रहा है, और एक बल्ब अगर इसमें से हट जाता है, बीच का मान लीजिए ये हट जाता है, तो इसकी रीडिंग कम हो जाएगी, बाकी की दो ये काउंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर द फॉलोइंग हो गया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं दे रही हूँ होमवर्क के लिए, सेपरेट क्वेश्चन आई विल नॉट गिव, मैंने इसी में होमवर्क दिया है, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, लिखा है गिव द फॉर्मूला फॉर ईच। तो ये आपका सबका फॉर्मूला लिखना है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, सबके फॉर्मूले लिखना है, करंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, पैरेलल, पावर प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस। तो ये आप आंसर क्वेश्चन नंबर 8 क्लिक कर और जो होमवर्क है उसमें आप सेंड करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें टू स्टूडेंट्स पी एंड क्यू, ये दो डायग्राम्स दे रखे हैं, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी, दो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, उन्होंने रेजिस्टर्स R1 R2 को इस मैनर में कनेक्ट किया है जैसे यहाँ दिखाए गए हैं। तो देखिए पहला वाला जो डायग्राम है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि B1 और C1 टर्मिनल्स एक साथ कनेक्ट है, और जो दूसरा डायग्राम है उसमें B2 को C2 के साथ कनेक्ट किया है, A2 को D2 के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी कमांड बनानी पड़ेगी, पहला वाला जो कनेक्शन है उसमें दो टर्मिनल्स ही आपस में जुड़े हैं, तो वो जो कनेक्शन है ये वाला कनेक्शन ए डायग्राम का सीरीज कॉम्बिनेशन है, बी डायग्राम में दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपको क्या करना है, इसमें से ऑप्शन सही वाला चूज़ करना है, सही ऑप्शन है आपको सारे रीड आउट करना है, आई हैव लेस टाइम हियर, तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ, यहाँ सी जो ऑप्शन है आपका दैट इज़ करेक्ट। स्टूडेंट पी विल डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, पी वाला सीरीज करेगा और क्यू वाला पैरेलल, लेकिन डायग्राम देख के आंसर क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इन बोर्ड यू विल राइट द आंसर और यू विल यूज योर माइंड इन द रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, विच वन ऑफ द बिलो सर्किट इज प्रॉपरली कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स। तो वही है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, मीटर सीरीज में, इसके अकॉर्डिंग और स्विच भी लगा है, रेजिस्टर भी है, तो कौन सा सही अरेंजमेंट है। तो दिस ऑल्सो आई एम लीविंग, ये भी मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कौन सा PQRS में सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1 ओम और 10 ओम टू दी बार 6 ओम अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल आपको पता है इसको करना पड़ेगा, 1/1 + 1/10 6 कैलकुलेशन एंड आंसर इज 0.9 ओम। उसके बाद 1 ओम 10^3 ओम एंड 10^6 ओम, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तीन रेजिस्टर्स हैं आपके पास 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, कैसे कनेक्ट होने चाहिए, मतलब कोई इनमें दो पैरेलल हो सकते हैं, कोई दो सीरीज हो सकते हैं, थर्ड उसका पैरेलल है, या कोई दो पैरेलल हैं थर्ड सीरीज है, जैसे भी करना है आपको डायग्राम बना के दिखाना है और टोटल आंसर कितना होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में 4 ओम, सेकंड पार्ट में 1 ओम, और मैंने जो यहाँ सॉल्यूशन दिया वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट का है, इट मीन सेकेंड पार्ट इज़ अगेन होमवर्क। 4 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है 2, 3 और 6 की हेल्प से। तो देखिए पहले क्या किया है, 3 और 6 को पैरेलल कर दिया, तो 3 और 6 का जब आप पैरेलल करेंगे, कैलकुलेशन करके चेक करिए क्या आंसर आ रहा है 3 और 6 का पैरेलल करने से, ठीक है। तो 6 और 3 का पैरेलल करने से आपका आंसर आएगा 2 ओम,
और फिर उसके साथ जो बचा हुआ 2 ओम था वो सीरीज कर दिया है, देन द रिजल्टेंट विल बी 4 ओम। ओके, तो मैंने बस एक पार्ट यहाँ सॉल्यूशन दिया है, 1 ओम कैसे बनाना है ये आप डायग्राम बनाकर भेजेंगे। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लोएस्ट, देखिए फिर से वही आया है, आई थिंक क्वेश्चन इज रिपीटेड, या तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप हाईएस्ट लोएस्ट कैसे बनाएंगे, तो अगेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे। फिर 14 है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, करंट है, वोल्टेज है, पावर आपको फाइंड करनी है, VI फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आपको एनर्जी भी फाइंड करनी है तो VIT फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यूनिट्स का ध्यान रखिएगा कि हमें SI में फाइंड करना है या CGS में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, टोस्टर रेजिस्टेंस, वाटर फिल्टर, ये सारी चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक 220 वोल्ट सोर्स से। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मस्ट करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेज एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। चौथे वाले का रेजिस्टेंस पूछा गया है आपसे कितना होगा अगर वो इनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, तो देखिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक आयरन विल हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू द सेम एज, ऐसा इसमें दे रखा है, 150 and 500 ओम रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, तो फोर्थ वाला आर ओम लिया है तो इसको ऐड किया है, सभी को इक्विवेलेंट आना चाहिए इनके सम के, तो 1/r आर फाइंड किया है, तो आर का आंसर कितना आ रहा, 31.25 ओम। अब इससे करंट कितनी पास होगी, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। सो दीज आर द क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइम आई विल गिव सम मोर क्वेश्चंस, और आपके पास भी अगर कोई सैम्पल पेपर है तो सेंड योर क्वेश्चंस, आई विल गिव द सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू।